स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बताएंगे कि ग्रेनेड और गुलवाल को अलग कैसे किया जाता है। बहुत बार ये प्रॉब्लम होता है गेम प्ले करते समय, क्या होता है कि गुलवाल लगाने का तो लगा देते हैं, फेंक देते हैं ग्रेनेड, तो बहुत प्रॉब्लम होता है कभी कभी। और जिन बंदों को नहीं पता है कि ग्रेनेड और गुलवाल किस प्रकार से अलग होता है, तो हम अभी बताएंगे। चलते हैं ट्रेनिंग हॉल के पास और बताते हैं आपको। हम आ गए हैं ट्रेनिंग हॉल बंदों से पिटने के लिए। चलो हम बताते हैं कि किस प्रकार से ये काम करता है। तो चलिए पहले देख लीजिएगा कि हमारा, देखिएगा कि देखिए अभी एक गुलवाल आएगा मेरे पास। देखिए एक गुलवाल आ चुका है मेरे पास, अब बढ़िया है वो बगल में है। देखो यहाँ यहाँ पर एक गुलवाल है मेरे पास, यहाँ पर एक गुलवाल है। और देखिए जाकर के हम जाकर नेट उठाएंगे फट से। अरे भाई पहुँच जल्दी। हाँ देखो देखो यहाँ पर देखो नेट भी आ गया ना। अब मेरे पास गुलवाल भी आ गया और नेट भी आ गया, दोनों चीज़ आ गया। अब देखो दोनों चीज़ आ गया, तो अब देखो अब हम क्या करेंगे कि देखो कैसे ऑन करना है ये। देखो पहले हमें जाना है कस्टम एचओटी में, जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद कंट्रोल में जाना है। कंट्रोल में जाने के बाद ये देखिए यहाँ पर है ग्रेनेड स्लॉट, दिख रहा है आपको? हमने टच शो किया है इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब होता है, मगर देखिए ग्रेनेड स्लॉट है ना। यहाँ पर आप में सिंगल स्लॉट ऑन होगा, तो उसको क्या करना है, डबल स्लॉट ऑन कर देना है। डबल स्लॉट ऑन कर देने से क्या होगा कि आपका गुलवाल और ग्रेनेड दोनों अलग अलग हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपना ग्रेनेड को अलग कर सकते हैं, कहीं और भी रख सकते हैं जहाँ सुविधा पड़ेगा। तो डिस्टर्ब तो नहीं होइएगा, जब भी मारिएगा गुलवाल मारिएगा है ना। तो यही तक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो था हमारा। और तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है भाई, ठीक ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं मारने खाना। चलो चलो ठीक है।